चंडीगढ़ में एसवाईएल के मुद्दे पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अगुवाई में पंजाब और हरियाणा की बैठक हुई है। बैठक के बाद पंजाब के सीएम भगवंत मान ने जहां नहर के निर्माण से साफ तौर पर इनकार किया है, वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि अच्छे माहौल में बातचीत हुई है। हालांकि एसवाईएल नहर के निर्माण को लेकर पंजाब के सीएम भगवंत मान मान ही नहीं रहे। केंद्र सरकार पहल करे तो केंद्र सरकार की पहल के नाते से आज हमारे जो इरिगेशन मिनिस्टर हैं श्री शेखावत जी, उन्होंने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया था, हमारे डिपार्टमेंट के लोग भी थे, और एक डिस्कशन जो हुआ है उसमें यही है कि अगली बार सुप्रीम कोर्ट में कोई पॉजिटिव इस नाते से कोई स्टैंड लेकर के, और जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एग्जीक्यूशन का ये विषय है जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि एसवाईएल का निर्माण होना चाहिए, तो वर्तमान में जो स्थिति है उसका एफिडेविट पंजाब सरकार केंद्र सरकार, हमने तो अपनी एक अपील की हुई है, हमने तो कहा कि इसको एसवाईएल को नहर को बनाना ही चाहिए, तो अगली बार पॉजिटिवली कोई ना कोई सोच विचार करके और एफिडेविट दें, ऐसा एक विषय आया है। और कुल मिलाकर के डिस्कशन जो है अमिकेबली हुआ है, उसमें किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं था। अगर मैं एक पंक्ति में कहूँ तो बात बड़े मनोहर माहौल में हुई, लेकिन अभी मान है कि मान नहीं रहे हैं, फिर भी उन्होंने कहा कि हम पॉजिटिवली सोच करके और कोई ना कोई एक एफिडेविट देने की बात जो कही गई है वो केंद्र सरकार की ओर से ही जाएगा और वो केंद्र सरकार को लिख करके देंगे। विषय उतना ही है कि वो दो विषयों को जोड़ करके चल रहे हैं कि नहर बनाना और पानी है कि नहीं है, हम दोनों विषयों को अलग अलग करके बात कर रहे हैं कि नहर बनाना, चूँकि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट भी बार बार यही कह रहा है कि उसको इसके साथ लिंक नहीं करना है, पानी जितना है जो फैसला हुआ है उसके हिसाब से प्रोरेटा ही पानी जो मिलेगा। अभी 1.11 एमएफ जो पानी पूरा होने के बाद भी वो हरियाणा को नहीं मिल पा रहा, लेकिन पानी कम है उस नाते से प्रोरेटा हमको मिलता है, पानी पूरा हो जाए तो भी प्रोरेटा मिलने के लिए नहर की आवश्यकता है। तो सीधे रुख करते हैं, इस वक्त मेरे साथ विजय राणा चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। विजय, लब्बुल वाब इस बैठक का यही है जो हरियाणा के सीएम ने कहा कि मान है कि मानते ही नहीं है, मतलब साफ है कि अब जो होगा कोर्ट के आदेश पर ही होगा। बिल्कुल ऐसा ही ऐसी उम्मीद की जा रही थी बैठक से पहले कि कोई हल निकलेगा, इसकी उम्मीद कम ही थी। और जिस तरह से पंजाब सरकार ने पिछली बैठकों में अपने जवाब दिए हैं, इस बैठक में वैसे ही जवाब दिया है, लेकिन इस बैठक की खास बात यह रही कि पंजाब सरकार ने ये जताने की कोशिश की है, बड़ा विस्तृत जवाब दिया है कि पंजाब में पहले ही पानी कम हो चुका है, भूजल स्तर कम हो रहा है और सतलुज नदी अब नदी नहीं बल्कि एक नाला बनकर रह गई है, तो उसके पानी का बंटवारा नहीं किया जा सकता। और पंजाब इस समय ऐसी स्थिति में है कि लाखों एकड़ भूमि ऐसी है जो सिंचाई का जहां पर अभाव है, जहां पर ठीक से सिंचाई नहीं हो पा रही है, तो इस तरह से कुछ जवाब पंजाब सरकार की ओर दिया गया है। और इसी से जुड़ा हुआ एक एफिडेविट भी सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से भेजा जाएगा, जिसमें पंजाब की स्थिति के बारे में बताया जाएगा। और दूसरी ओर अगर हम हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात करें तो उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार नहर और पानी को जोड़कर देख रही है, एक ही मुद्दा उन्होंने बनाया हुआ है, जबकि पानी को लेकर हम फिलहाल बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ नहर की बात कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें आदेश आया हुआ है कि नहर का निर्माण करवाया जाए, और हम यही चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनुपालना हो और नहर का निर्माण करवाया जाए। जहाँ तक बात पानी की है तो उस पर बाद में चर्चा हो सकती है, चर्चा करने के लिए कई पहलू हैं कि पंजाब के पास कितना पानी है, पंजाब के खेतों को भी पानी मिल जाए, अतिरिक्त पानी हरियाणा को मिल जाए, और नहर बनाने के और भी कई लाभ हैं। अगर क्योंकि कई बार ऐसी स्थिति आती है कि कहीं किसी जगह पर बाढ़ आ जाती है, कहीं पर सूखा पड़ जाता है, और अगर ऐसे में नदियां जो है वो इंटरलिंक होंगी तो जहां पर ज़रूरत होगी वहां पर पानी को भेजा जा सकेगा। और इस तरह जो नदियों का इंटरलिंक है वो भी बहुत ज़रूरी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम सबके अधिकारों की चिंता करते हैं, अगर राजस्थान को पानी चाहिए और हम राजस्थान को भी कहते हैं कि हरियाणा के पास अतिरिक्त पानी होगा तो हम राजस्थान को भी देंगे, दिल्ली को पानी जा ही रहा है, तो इस तरह से जब हरियाणा जो है दूसरे राज्यों के बारे में सोचता है, उनके हकों के बारे में सोचता है, तो
पंजाब को भी जो है हरियाणा के हक के बारे में सोचना चाहिए और जो उसके हक का पानी है उस पर बाद में चर्चा होनी चाहिए और पानी का बंटवारा हो सकता है। इसके अलावा एक बात और मुख्यमंत्री ने कही कि पाकिस्तान को भी सतलुज का पानी जा रहा है और पंजाब सरकार ने खुद इस बात को माना है कि पाकिस्तान को भी पानी जा रहा है। पिछले 30 सालों से तो जो पानी हरियाणा को मिलना चाहिए था वो पानी पाकिस्तान को जा रहा है और उन्होंने ये कहा कि अगर वो पानी भी हरियाणा को मिल जाता है तब भी हरियाणा का बहुत फ़ायदा होगा। हरियाणा की लाखों एकड़ भूमि जिसको पानी नहीं मिल रहा है उसको पानी मिल सकेगा। तो इन सब मुद्दों पर चर्चा हुई है। साथ ही साथ अब सुप्रीम कोर्ट में दोबारा ये मामला जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट भी जाएगा, केंद्र सरकार की ओर से भी एफिडेविट जाएगा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर अगला निर्देश भी जो है वो केंद्र सरकार को दे सकती है कि आगे अब क्या करना है, क्योंकि नहर जो बनाने का, नहर निर्माण का जो आदेश था वो पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया था और वो सभी पहलुओं को देखते हुए जो एसवाईएल नहर की शुरुआत थी, इतिहास था, वर्तमान में क्या स्थिति है, इन सभी बातों को देखते हुए ये निर्देश दिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट इस निर्देश को पूरा करवाने के लिए अगला कोई सख्त आदेश भी इस मामले में दे सकती है। जी बिल्कुल। तो अब क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, जनवरी में सुप्रीम कोर्ट को जवाब दाखिल करना है, सेंटर को भी और स्टेट को भी। कुल मिलाकर अब ये मामला कहीं ना कहीं पॉलिटिकलाइज भी होगा, क्योंकि दक्षिण हरियाणा पूरी तरीके से एसवाईएल के पानी पर बहुत ज़्यादा निर्भरता है और पानी अगर आती है तो दक्षिण हरियाणा सबसे ज़्यादा लाभान्वित होगा। तो आप ये मान सकते हैं कि एक पॉलिटिकल इशू भी बनेगा, क्योंकि चुनाव है और ऐसा मुद्दा जिससे उस पूरे क्षेत्र का हर इंसान जुड़ा हुआ है उस मुद्दे से, तो इसका अपना नफा नुकसान के हिसाब से लोग इसका राजनीतिकरण भी किया जाएगा। बिल्कुल, पंजाब में अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में पहले से ही ये बहुत बड़ा एक राजनीतिक मुद्दा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार अभी पंजाब में है, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, उससे पहले अकाली दल की सरकार थी पंजाब में, उन्होंने भी 10 साल राज किया है, लेकिन तमाम जो सरकारें थी वो भी इसका विरोध करती आई हैं। और ना सिर्फ सरकारें विरोध करती आई हैं बल्कि जो पंजाब के किसान संगठन हैं या जो दूसरे नेता हैं, अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए जो नेता हैं, यहाँ तक कि आम लोग भी हैं, वो भी अगर उनसे बात की जाए तो वो भी इस बात का विरोध करते हैं और वो भी कहते हैं कि हम हरियाणा को पानी नहीं देंगे। तमाम छोटे बड़े नेता हैं, पूर्व नेता हैं, जो वो भी यही बात आज भी दोहराते हैं कि हरियाणा को पानी नहीं दिया जा सकता, पंजाब के पास पानी नहीं है इतना कि हरियाणा को दिया जाए। और ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा पंजाब में है, हालांकि हरियाणा में भी एक राजनीतिक मुद्दा है, लेकिन अगर तुलना की जाए दोनों राज्यों की तो पंजाब में ये मुद्दा ज़्यादा बड़ा है। हरियाणा सरकार लगातार कोशिश जरूर कर रही है, मीटिंगें ज़रूर हो रही हैं, लेकिन कामयाबी अब तक नहीं मिली है। हालाँकि जिससे पहले की सरकारें थीं उन्होंने भी कोशिश की, चाहे वो इनेलो की सरकार रही हो, इनेलो के नेता अभय चौटाला ने एक अभियान भी चलाया था, लेकिन कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एक पूरा राजनीतिक मुद्दा ये बना हुआ है। अब कब तक ये मुद्दा सुलझेगा, क्योंकि दोनों राज्यों के लिए ये राजनीतिक मुद्दा है, हरियाणा पानी लेना चाहता है और पंजाब सरकार अपने आप पानी देना नहीं चाहती, दूसरी ओर जो वहाँ के जो किसान संगठन है, दूसरे संगठन है, जो लोग हैं, वो भी इस बात का विरोध करते हैं कि हरियाणा को पानी नहीं दिया जा सकता। चलिए ठीक है, अभी लोगों का दबाव बिल्कुल विजय, ये पानी का मुद्दा कहीं ना कहीं 24 के चुनाव तक बिल्कुल गर्म ही रहेगा और ये लंबे वक्त से मामला चला रहा है, तो उम्मीद भी अब होगी कि क्योंकि अब मामला कोर्ट के पास जाएगा तो कोर्ट के जरिए ही कुछ ना कुछ समाधान इसका निकलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।